हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम है मुअज्जम हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, लेट्स पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको अच्छे से देख ले। अब तो आप लोग गेस कर चुके होंगे कि मैं किस पार्ट्स के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। यस, यू आर राइट। In this video, I am going to discuss about the arms, the anatomy of arms, the biceps and triceps. सही से देख लें, ये biceps and triceps। हम लड़कों को तो मौका चाहिए दिखाने का कि कैसे हमारे biceps और triceps दिखे। आज मेरे पास मौका भी है और दस्तूर भी है। So let's talk about the arms कि यहाँ पे कौन से parts, कौन से muscles involve है। ये video बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है बिगिनर्स के लिए। अगर वो अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप का फाउंडेशन समझना चाहते हैं, एनाटॉमी समझना चाहते हैं, मसल्स ग्रुप समझना चाहते हैं, फंक्शन समझना चाहते हैं और कुछ एक्सरसाइज समझना चाहते हैं आर्म्स का, सो दिस इज़ फॉर यू। और अगर आप कुछ एडवांस लेवल में हैं फिर भी आपका बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका मसल ये बाइसेप और ट्राइसेप उतना ग्रो नहीं हुआ है जितना आप चाहते हैं, सो आई थिंक वहाँ पे आप लैक ऑफ नॉलेज होगा या फिर एनाटॉमी आपको यहाँ एरिया का, इस एरिया का पता नहीं होगा। सो आप इस वीडियो में बने रहें, आज मैं एनाटॉमी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट दी बाइसेप्स। बाइसेप्स मतलब दो होते हैं, बाई मतलब दो होते हैं, तो इसके दो हेड हैं, ठीक है। एक हेड इसको नीचे ये वाला जो है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे ना एक सेपरेशन है, यहाँ पे ये मसल्स अलग है यहाँ से। अगर आप पिंच करोगे आप इसको तो आप फील कर पाओगे कि यहाँ से एक मसल्स इधर अलग है और ये मसल्स अलग है। तो ये वाले मसल्स को हम लोग लॉन्ग हेड मसल बोलते हैं और ये वाला शॉर्ट हेड मसल्स, ये शॉर्ट हेड बाइसेप्स हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो हम लोग को पता होना चाहिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो लॉन्ग हेड का कर रहे हैं कि शॉर्ट हेड का करते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाइसेप में एक एल्बो फ्लेक्सेशन करते हैं बस। इसके अलावा बहुत सारे और भी वेरिएशंस है एक्सरसाइज के कि कैसे हम अपने लॉन्ग हेड को टारगेट करें और कैसे हम शॉर्ट हेड को टारगेट करें। सी, सिर्फ फ्लेक्सेशन ही नहीं है, अगर आप थोड़ा सा एंगल इस तरह से कर ले तो ये आपका शॉर्ट हेड को असर हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से फ्लेक्स करें और आपके ये वाला एंगल, ये वाला अगर थोड़ा सा एंगल बना दें तो बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस हम लोग को समझना चाहिए, हमारे मूवमेंट, हमारे रोटेशंस के वजह से, थोड़े से चेंज के वजह से हमारे मसल्स टारगेट में बहुत असर पड़ता है। हाँ, तीसरा मसल्स भी है हमारे बाइसेप्स में, उसको ब्रुकियालिस बोलते हैं। ब्रुकियालिस जो है वो यहाँ पे होता है, अगर आपको उतना विजिबल नहीं है ये बहुत छोटा सा मसल्स है, वो यहाँ होता है, ठीक है। तो ये तीन मसल्स हो गए आपके, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड एंड ब्रुकियालिस। इसके आप बहुत सारे एक्सरसाइज है जैसे डंबल कर्ल हो गया, बारबल कर्ल हो गए, आपको बेंच प्रेस लगा सकते हैं, आपको प्रीचर लगा सकते हैं। ये अलग अलग एक्सरसाइज के नेम्स है और अलग अलग एक्सरसाइज से अलग अलग मसल्स को, अलग अलग हेड को हम लोग टारगेट करते हैं। उसी तरह दूसरा जो होता है हमारा ये ट्राइसेप्स। ट्राई मतलब तीन होता है, तो इसके तीन हेड है एक्चुअली। लॉन्ग हेड देखें, आपको ये दिख रहा होगा, ये लॉन्ग हेड बोलते हैं इसको, ये वाला पोर्शन को। दूसरा जो मसल्स है हमारा ये वाला दिख रहा है आपको, ये लेटरल हेड बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें छोटा मसल्स और भी होता है, उसको मेडियल हेड बोलते हैं। ये यहाँ पे होता है, ये छोटा मसल्स है, जैसे ब्रोकियली छोटा मसल्स है वो मेडियल भी, ये हमारा ट्राइसेप्स है वो भी छोटा मसल्स है। इसको हम अलग अलग, इसके भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, जैसे हम लोग डिप्स लगाते हैं, टेबल डिप्स लगा दे या फिर नॉर्मल डिप्स लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारे इजर्ड कर्व भी लगा सकते हैं, हमको क्रूशर बार भी लगाते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस है एक्सरसाइज के, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मसल्स है, जैसे तीन और तीन छः मसल्स हो गए। और अगर आपको रेशियो अगर बताऊँ, रेशियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा बाइसेप मारते हैं, ट्राइसेप्स कम मारते हैं, जबकि ट्राइसेप्स के मसल्स जो है वो तीन
है। जैसे अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 60% यहाँ का जो मसल्स है पूरे आर्म्स का, वो 60% ट्राइसेप कवर करता है एंड 40% बाइसेप कवर करता है। तो और तीन हेड हो गए इसके, इसके दो हेड हैं, तो रेशियो के हिसाब से भी ट्राइसेप्स ज़्यादा कवर करता है और बाइसेप्स कम कवर करता है। सो ये हुए हमारे एनाटोमी, और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूँगा जैसा कि मैं आपको बोला था। सो ये आप समझ गए, इसके फाउंडेशन समझ गए, इसके बेस समझ गए। अब मैं आपको कुछ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के एक्सरसाइज दिखाता हूँ। सो लेट्स एंजॉय द वेरिएशंस ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यहाँ के आर्म्स मसल्स, आर्म्स एनाटॉमी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपके माइंड कनेक्शन और मसल्स कनेक्शन होना ही चाहिए। बाइसेप्स में तो हम लोग दिख जाता है आराम से, हम लोग माइंड कनेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जब हम ट्राइसेप्स मारते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को माइंड कनेक्शन होना चाहिए हमारे ट्राइसेप्स के साथ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और एनाटॉमी बताने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, अगर आप रात में देख रहे हैं तो, नहीं तो गुड बाय। थैंक यू।